हेलो हाय, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो आज का वीडियो होने वाला है पिज़्ज़ा से भरपूर। जैसे आप लोगों को मेरे टेबल पे तीन अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने तीन अलग अलग वेबसाइट से या फिर तीन अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए हैं, एंड इनको मैं करने वाली हूँ टेस्ट एंड आप लोगों के साथ मेरा होनेस्ट सा रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अभी जो है फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दो चार दिन के बाद हॉलीडेज़ पड़ ही जाते हैं। जन्माष्टमी का हॉलीडे, गणेश चतुर्थी का हॉलीडे, रक्षाबंधन का हॉलीडे, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो घर पर जो हम लोग बैठते हैं एंड बढ़िया कोल्ड ड्रिंक हो एंड साथ में बढ़िया पिज़्ज़ा हो, तो एक अच्छा हॉलीडे टाइप घर में बन जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा क्यों ना पिज़्ज़ा मंगवाया जाए एंड आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया जाए। सो मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा मंगवाया एंड शिकागो का पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया। ये जो है वो मीडियम साइज़ का मंगवाया, बिकॉज ये ऑलरेडी किसी ने टेस्ट किया है, वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड उसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि ये वाला ट्राई करो। सो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ में मंगवा लिया, सो दैट घर पर बाकी लोग भी खा सके। एंड ये क्योंकि पिज़्ज़ा एंड डोमिनोज जो है वो हम खा चुके हैं, इनका लमसम पता है टेस्ट कैसा है, क्या है क्या है, तो ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगवा लिए हैं जस्ट आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूं। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये तीनों के तीनों जो पिज़्ज़ा है वो आधा घंटा पहले डिलीवर हुए हैं। मतलब इनके अगर टेक्सचर में, टेस्ट में कुछ भी फ़र्क आएगा तो तीनों के बराबर आएगा, एंड तीनों ही मैंने अलग अलग तरह के ऑर्डर किए हैं। आई मीन जब भी कुछ मार्केट में नया आता है, जैसे पिज़्ज़ा तो हम रेगुलर खाते ही रहते हैं, बट जैसे मैगी में कुछ नया ऐड होता है, कुछ नया इन्वेंशन होता है, तो हम जरूर ट्राई करते हैं, जैसे कोरियन मैगी हो गया इस तरह से। तो मैंने ये पिज़्ज़ा के तीन अलग अलग वेरिएंट ऑर्डर किए हैं। ये है, ये है डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है वो मैंने ये लिया है, ये पेप पनीर पिज़्ज़ा करके, ये काफ़ी ट्रेंड में था आज, तो मुझे कुछ अलग दिखा पे पनीर पिज़्ज़ा में क्या स्पेशल होता है ये देखने के लिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। ये स्मॉल साइज़ में है एंड इस तरह का है ये, इसमें ज़्यादा कुछ फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। अगर आपने पिज़्ज़ा का कभी देखा है तो पिज़्ज़ा वाली जगह जाओगे ना तो बहुत ही अच्छी है, क्रेविंग वाली फ्रेग्रेंस आती है, वैसा कुछ नहीं है। सेकेंड है, ये है पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा पैकेजिंग, आप देख ही पा रहे हो ये वाली पैकेजिंग एंड ये वाली पैकेजिंग दोनों, ये वाली तो आपको पता ही होगी एंड ये वाली पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सिंपल नॉर्मल है पिज़्ज़ा हट की। एंड इसमें ये वाला मैंने मोमोज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ये देखने के लिए कि क्या स्पेशल होता है, कुछ अलग होता है क्या। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है एंड इस तरह का ये दिखाई दे रहा है, देखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि खाने की क्रेविंग करे। ये तो जो नेक्स्ट वन है वो है ये शिकागो पिज़्ज़ा, जो कि मीडियम साइज़ में मैंने ऑर्डर किया है एंड थोड़ा सा बड़ा साइज़ इसलिए लिया क्योंकि इसके रिव्यू ऑलरेडी मेरे पास थे एंड काफ़ी पॉजिटिव थी, तो मुझे लगा घर में काफ़ी लोग हैं खाने वाले तो जब ऑर्डर ही करना तो मीडियम साइज़ कर दूँ, बार बार ऑर्डर ना करना पड़े। सो ये जो है वो देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, मतलब इसका साइज़, इसका कलर प्लस इसकी फ्रेग्रेंस, ऐसी क्रेविंग वाली जो होती है ना, का खाले वाली, एंड सुपर सॉफ्ट। ये ऊपर तो बिल्कुल ऐसे सिका हुआ है जैसे परांठा जो सिक कर आता है ना, बिल्कुल वैसे। मुझे नहीं पता इसमें कैमरा में कितना क्लियर आ रहा है, बट एकदम से परफेक्टली, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, ना ही तो यहाँ से ये टाइट है ना ही यहाँ से टाइट है। सो ये अगर मैं बात करूँ कि देख कर किस पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। अगर मैं सॉफ्टनेस की बात करूँ तो फिलहाल तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, जैसे रुई जो होती है ना कितनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल वैसा मुझे ये लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी, सो ये है डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा जो कि हल्का सा हार्ड है, एंड अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह से अच्छे से ये पका हुआ है कि नहीं है अच्छे से, सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा हार्ड सा ये हो रखा है। सो ये कुछ इस तरह सा है। एंड नेक्स्ट मैं अगर बात करूं पिज़्ज़ा हट वाले की, तो ये तो मतलब पूरा ही बवंडर में बोलूँगी कि कहीं से अजीब सा कच्चा बच्चा सा लग रहा है, एंड क्या थोड़ा सा अजीब सा ही दिख रहा है ये, एंड खाने के बाद और पता चलेगा। एंड यहाँ से तो बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं बात करूँ पीछे से, तो जो पाव नहीं आता, जो बड़ा पाव के साथ में खाते हैं, बिल्कुल वैसा सा इसका टेक्सचर एंड वैसा सा लग रहा है। पिज़्ज़ा वाली फीलिंग नहीं है एक्चुअली, पाव वाली फीलिंग इसमें ज़्यादा आ रही है। सो मैं टेस्ट करके बता दूँ क्योंकि मेरे मुँह में बार बार पानी आ रहा है, इतना टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा देखे, एंड स्पेशली ये वाला तो मतलब मैं खुद ही पूरा खा जाऊंगा, घर वालों को ये वाला दे दूंगी। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि आधा घंटा ऑर्डर को हो गया एंड आधा घंटा मेरे को शायद बैठे हुए हो गए हो, तो कुल मिला के एक घंटा हो गया। एंड एक घंटे में अगर सॉफ्टनेस की बात करूं कि तीनों पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इसकी है। इसके अलावा इनके अलावा मैं बात करूँ फ्री पाउचेज जो पिज़्ज़ाज के साथ में नॉर्मली अपन को डिलीवर होते हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसके साथ में मुझे मिला है जो है वो मुझे टू पाउचेज तो मिले ओरिगिनो के, वन पाउच मिला है चिली फ्लेक्स का। अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा हट की, तो इसमें तो सिर्फ वन मिला है, वन ही चिली फ्लेक्स था, वन ही में ओरिगिनो था। और अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें अभी भी चिपके हुए हैं, तीन मैं निकाल चुकी हूं, इसमें आपको चार से पांच ओरिगिनो मिल जाएंगे, तीन से चार ही चिली फ्लेक्स मिल जाएंगे, यानी भरपूर खूब डाल के खाओ आप आराम से पेट भर के, एंड कुछ बचा के घर पे भी रख सकते हो, जब नेक्स्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर करो तो भी काम आ जाएंगे। तो मुझे ये कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। अब अपन कर लेते हैं टेस्ट सो दैट पता चले
कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी टेस्टी दिख सभी रहा है। डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा जो कि खा के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि नॉर्मली मैंने पहले भी कहा है कि बेस जो होता है ना ये वाला, ये आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट एंड आपके पिज़्ज़ा के जो टेक्सचर है वो डिसाइड करता है। उसके बाद आप चाहो तो उसको फुल वेज वेजीज वाला एंड क्रंची चीज़ वाला या फिर मोमोज वाला कोई सा भी पिज़्ज़ा उसको आप बना सकते हो, बट आपका ये वाला बेस जो है ना वही मेन ब्रांड का काम करता है। एंड चलो अभी टेस्ट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ। अच्छा है बट थोड़ा सा ना टाइट हो गया, स्टिफनेस जो हो जाती है ना, रखा रखा जो स्टिफ हो जाता है थोड़ा सा वैसा वैसा लग रहा है। एंड जो चिली है अगर वो मुंह में आ रही है तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, उसके अलावा अगर खा रहे हो तो एकदम से फीका सा लग रहा है, अजीब सा। अगर आप ये वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एकदम मुँह जलने वाला, कभी कभी नॉर्मल सा आएगा। अगर आप पिज़्ज़ा हट से ऐसा कोई नया पिज़्ज़ा मोमोज पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऑर्डर करना चाहते हो मेरी तरह कि कुछ अलग खा के देखते हैं कैसा निकलता है टेस्ट में, तो भाई सोच समझ के करना। पहली बात तो आने के बाद आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता कैमरा में कैसे दिख रहा है, बट सामने से देखने में बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई अजीब अजीब से लग रहा है एंड पाव वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं ये भी आप लोगों को टेस्ट करके बता देती हूँ कि कैसा है खाने में। लिटरली दांतों में चिपक रहा है, बिल्कुल पाव से भी घटिया है ये। पाव या ब्रेड जो होती है एटलीस्ट दांत में नहीं लगती है, और ये टेस्ट में बिल्कुल जो ब्रेड होती है ना वैसा इसका बेस आ रहा है। यहाँ और यहाँ जो जगह है वो तो एकदम से खाली वाला पिज़्ज़ा में टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर से मेरे मुँह के पास इसकी बार बार स्मेल आ रही थी। इतना सॉफ्ट है, इतना ही ज़्यादा क्रीमी है, डबल डाउन टाउन वाला जो ये पिज़्ज़ा है, प्लीज़ ये एक बार ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल ये ठंडा है, अभी इसका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, सोचो अगर आप एक बार ओवन में ले जाओ इसको या फिर गरम गरम अगर आप खाओ तो बहुत ही अच्छा होगा, आई थिंक बहुत अच्छा। एंड ये ऊपर से देखो कितना अच्छा सिका हुआ है, एक्चुअल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है एकदम परफेक्टली, ना कम ना ज़्यादा, ना ही ये फुला हुआ है, इतने अच्छे से इसकी जो टेक्सचर आ रहा है ना, तो यहाँ से देखो इसका टेक्सचर और यहाँ से इसका टेक्सचर देखो, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एंड टेस्ट में ये वाला दी बेस्ट है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ ये वाला ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये दोनों स्मॉल पिज़्ज़ा की जो प्राइस है उसमें आप हल्का सा अमाउंट और ऐड करोगे तो आपको ये वाला मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा मिल जाएगा, इतना ज़्यादा फ़र्क है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो देन गो फॉर इट, शिकागो का पिज़्ज़ा बेस्ट है। मैं अगर बात करूं कि मुझे अगर दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा पिज़्ज़ा, कहाँ से मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगी, तो आई मस्ट से कि मैं शिकागो से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगी, जहाँ से ना सिर्फ क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ बेस्ट है, प्राइस में बेस्ट है, साथ ही में प्राइस जो है इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम प्राइस है। अगर आप एक सस्ता सुंदर टिकाऊ एंड टेस्टी सा पिज़्ज़ा खरीदना चाहते हो तो गो फॉर इट। सो ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी से कैसा है? अच्छा है।